आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग बेस फार्मूला बेस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बेस फार्मूला क्या है इस फार्मूला की मदद से हम ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं जो पहले हो चुके हों और उनसे बाद होने वाले इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन हो तो अगर हमें ऐसे एक्साम्पल स्पेस दी जाए और उसे हम पार्टीशन कर रहे हैं एस वन से एस के तक और एक स्पेसिफिक इवेंट है ए जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है और हमने एस SI आई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम बेस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं एमी हैज थ्री सेल फोन्स ब्रांड्स के एम एंड एन एमी के पास तीन सेल फोन्स हैं जिनमें ब्रांड के है ब्रांड एम और ब्रांड एन है शी यूज द के ब्रांड ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टाइम एंड एम एंड एन ब्रांड्स इक्वली तो अपने टोटल टाइम का वो 20% परसेंट के ब्रांड को यूज़ करती है और एम और एन को जितना यूज करती है उनकी आपस में जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी क्योंकि वो इक्वली ऑफन है तो इस बात का मतलब ये है कि एम और एन को वो बराबर टाइम देती है शी नोटिस दैट शी लूजेज द सिग्नल टेन परसेंट ऑफ द टाइम वैन यूजिंग ब्रांड के एंड एन एंड फाइव परसेंट ऑफ द टाइम वैन यूजिंग ब्रांड एम यानी जब वो ब्रांड के और एन को यूज़ कर रही होती है तो टोटल टाइम का टेन परसेंट सिग्नल लूज करती है इसी तरह से टोटल टाइम का फाइव परसेंट लूज करती है जब वो ब्रांड एम यूज करती है ऑन न रेंडम यूज ऑफ हर सेल फोन शी लूज द सिग्नल यानी हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि अगर वो रेंडमली वो यूज कर रही है सेल फोन को और अगर वो सिग्नल लूज करती है फाइंड दी प्रॉबिलिटी दैट शी वॉज यूजिंग ब्रांड एन तो हमने प्रॉबलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो ब्रांड एन यूज कर रही है यानी अब हमें बाद का इवेंट दिया गया है कि वो सिग्नल लूज करती है और हमने उससे पहले होने वाला इवेंट फाइंड आउट करना है उसकी प्रॉबलिटी कि वो ब्रांड एन यूज़ कर रही है तो यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें पहले थ्री ब्रांड्स के सेल फोन्स के बारे में बताया गया है तो अगर हम एक ट्री डायग्राम की मदद से शो करें इस प्रॉब्लम को तो पहले हम लिखते हैं स्टार्ट और स्टार्ट में हमने इस थ्री ब्रांड्स में थ्री ब्रांड्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन करनी है यानी के एम और एन को हमने प्रोबेबिलिटीज असाइन करनी है थ्री ब्रांड्स हैं और इसमें से जो के ब्रांड है उसका जो यूज़ करने का है वो है ट्वेंटी परसेंट ऑफ टाइम इसका मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी होगी ज़ीरो पॉइंट टू और एम और एन के बारे में बताया गया है कि वो इक्वली ऑफ़न यूज होते हैं तो अगर ट्वेंटी परसेंट के ब्रांड यूज होता है तो एम और एन टोटल यूज होते हैं एटी परसेंट और अगर इक्वली यूज़ होते हैं तो एम भी फोर्टी परसेंट यूज़ होगा और एन भी फोर्टी परसेंट तो इसका मतलब है एम के लिए प्रॉबिलिटी आ जाएगी जीरो पॉइंट फोर और एन के लिए प्रोबिलिटी आ जाएगी ज़ीरो पॉइंट फोर नेक्स्ट हमें बताया गया है शी लूज द सिग्नल टेन परसेंट ऑफ द टाइम वेन यूजिंग ब्रांड्स के एंड एन तो सिग्नल लूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे एल और अगर सिग्नल अवेलेबल होंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ए तो के और एन के लिए वो टेन परसेंट सिग्नल यूज लूज़ करती है इसका मतलब है कि जब वो ब्रांड के यूज़ कर रही है तो उसके पास दो रिजल्ट हो सकते हैं या तो वो सिग्नल लूज़ कर रही है या सिग्नल्स अवेलेबल हैं इसी तरह ब्रांड एन के लिए भी सेम है उसमें वो सिग्नल लूज़ कर रही है या सिग्नल्स अवेलेबल हैं अब यहाँ पर परसेंटेज बताई गई है कि 10% परसेंट ऑफ द टाइम वो सिग्नल्स लूज़ करती है के और एन के लिए इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.1 और बाकी अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.9 क्योंकि वो 90% परसेंट अवेलेबल होंगे इसी तरह एन के लिए भी हमने सेम प्रोबेबिलिटीज लिखनी है तो ये आ जाएगा ज़ीरो अब हम एम के लिए देखते हैं तो एम के लिए भी दो ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी एल या ए तो एम यूज़ करते वक्त फाइव परसेंट ऑफ़ द टाइम वो सिग्नल लूज़ करती है इसका मतलब है कि इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव और अवेलेबल होने की प्रोबेबिलिटी होगी ज़ीरो पॉइंट नाइन फाइव तो ये हमारे पास एक ट्री डायग्राम बन गई अब हम यहाँ पर इनकी आउटकम्स भी लिख लेते हैं यानी जो भी पाथ के साथ हमारी आउटकम बनती है हम वो लिख लेंगे तो पहली आउटकम है के एल इसे हम के इंटरसेक्शन एल भी लिख सकते हैं नेक्स्ट है के इंटरसेक्शन ए नेक्स्ट है एम इंटरसेक्शन एल एम इंटरसेक्शन ए एन इंटरसेक्शन एल और एन इंटरसेक्शन ए तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए अब क्वेश्चन ये है ऑन अ रेंडम यूज ऑफ हर सेल फोन शी लूज द सिग्नल फाइंड द प्रोबिलिटी दैट शी वॉज यूजिंग ब्रांड एन तो अब हमें यह बताया गया है कि उसने सिग्नल लूज़ किए हैं और हमने ब्रांड एन यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी फ़ाइंड आउट करनी है तो ब्रांड एन वो पहले से यूज़ कर रही है यानी ये इवेंट पहले हो चुका है और उसमें वो सिग्नल लूज कर रही है तो इसका मतलब है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एन के लिए और हमें गिवन क्या है एल तो इसके लिए हम बेस फार्मूला की हेल्प लेंगे तो एन गिवन एल है तो यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग सिग्नल गिवन एन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन और इसको हमने डिवाइड करना है सिग्नल लूज करने वाले सारे रिजल्ट्स के साथ तो सिग्नल लूज करने वाले कौन कौन से रिजल्ट्स हैं यहाँ पर के इंटरसेक्शन एल है एम इंटरसेक्शन एल है और एन इंटरसेक्शन एल है तो यहाँ पे हम सिर्फ इन तीन इवेंट्स को यूज़ करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर सिग्नल लूज करने वाला इवेंट इस्तेमाल करना है इसका मतलब है यहाँ पे जो तीनों इवेंट्स हैं उन्हें हम इस तरह से लिखेंगे प्रॉबीबिलिटी ऑफ लूजिंग सिग्नल यूजिंग के गिवन के मल्टीप्लाइड बाई प्रॉबिलिटी ऑफ के प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ लूजिंग सिग्नल गिवन एम मल्टीप्लाइड बाई प्रोबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रॉबीबिलिटी ऑफ लूजिंग सिग्नल गिवन एन मल्टीप्लाइड बाई प्रोबिलिटी ऑफ एन तो अब हम यहाँ पर इन तमाम जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन एन यहाँ पर कितनी है एल गिवन एन है ज़ीरो पॉइंट वन इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन के साथ जो के है जीरो पॉइंट फोर इसके बाद डिनोमिनेटर में वैल्यूज लिखते हैं तो यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन के यानी एल गिवन के है जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाइड ऑफ के है यहां पर ज़ीरो पॉइंट टू तो हम लिखते हैं ज़ीरो पॉइंट टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गिवन एम कितनी है एल गिवन एम है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव तो हम यहाँ पर लिखते हैं ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव इसे मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एम के साथ तो वो कितनी है ज़ीरो पॉइंट फोर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल गेवन एन है ज़ीरो पॉइंट वन और इसे मल्टीप्लाई करना है प्रॉबिलिटी ऑफ एन के साथ जो कि है ज़ीरो पॉइंट फोर तो अब इन तमाम वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट फोर आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर और अब हम डिनोमिनेटर की वैल्यूज को कंप्यूट कर लेते हैं जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट टू आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो टू प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट फोर तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो टू प्लस जीरो पॉइंट जीरो फोर तो ये आ जाता है सिंपल होके 0.04 डिवाइडेड बाय 0.08 तो इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे ये आ जाएगा 0.5 तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है एन गिवन एल की प्रोबेबिलिटी ऑफ़ यूजिंग एन गिवन एल यानी अगर उसने सिग्नल लूज किए हैं तो जीरो पॉइंट फाइव प्रॉबिलिटी है कि वो ब्रांड एन यूज कर रही है तो इस तरह से हम बेस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम है देर आर थ्री बॉल्स कलर्ड रेड ब्लू एंड ग्रीन इन अ बॉक्स एक बॉक्स में थ्री बॉल्स हैं। रेड ब्लू और ग्रीन एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ड्राइंग बॉल एट रेंडम एंड नोटिंग इट्स कलर तो हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जिसमें हमने उस बॉक्स में से रेंडमली कोई भी बॉल उठानी है और उसका कलर नोट करना है पार्ट so, ए है इफ इट इज़ रेड द एक्सपेरिमेंट एंड्स यानी अगर ये बॉल रेड होती है जो हम ड्रा कर रहे हैं तो फिर एक्सपेरीमेंट वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा पार्ट बी है इफ़ इट इज़ ब्लू दैन इट इज़ रिप्लेसड एंड अनदर बॉल इज ड्रॉन एंड इट्स कलर इज नोटेड यानी जो बॉल हमने ड्रा की है अगर वो ब्लू कलर की है तो उसे हम रिप्लेस कर देंगे यानी वापस हम उसे बॉक्स में रख देंगे और बॉक्स में से एक और बॉल ड्रा करेंगे और उसका कलर नोट करेंगे पार्ट सी है इफ इट इज ग्रीन देन इट इज सेट असाइड एंड अनदर बॉल इज ड्रॉन एंड इट्स कलर इज़ नोटेड यानी अगर हमारे पास ग्रीन बॉल आती है तो उसे हम साइड पर रख देते हैं यानी यहां पर हम इसे विदाउट रिप्लेसमेंट इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे एंड अनदर बॉल इज ड्रॉन एक और बॉल निकालेंगे और उसका कलर नोट करेंगे फाइंड दी प्रबिलिटी दैट दी फर्स्ट बॉल इज ब्लू गिवन दैट दी सेकेंड बॉल इज ब्लू तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अगर हमें गिवन हो कि सेकेंड बॉल ब्लू है तो हमने इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि फर्स्ट बॉल भी ब्लू होगी तो इस एक्सपेरिमेंट में हम रेड के लिए आर ब्लू के लिए बी और ग्रीन के लिए जी यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर ट्री डायग्राम बनानी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में क्या है हमने एक बॉल ड्रॉ करनी है तो थ्री बॉल्स हैं इसका मतलब है हमारे पास थ्री तरह की रिजल्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं पॉसिबल रिजल्ट्स रेड ब्लू या ग्रीन साथ ही हम इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं थ्री बॉल्स हैं तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन बाय थ्री ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन बाय थ्री और ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन बाय थ्री अब हम अपनी कंडीशन को देखते हैं तो ए कंडीशन है इफ़ द बॉल इज रेड द एक्सपेरिमेंट एंड्स अगर बॉल रेड है तो एक्सपेरिमेंट यहां पर ख़त्म हो जाता है इसका मतलब है कि रेड से आगे हमारे पास कोई और रिजल्ट नहीं है नेक्स्ट कंडीशन है बी इफ इट इज़ ब्लू देन इट इज़ रिप्लेस्ड एंड अनदर बॉल इज़ ड्रॉन यानी अगर ये ब्लू है तो इसको हम दोबारा से बॉक्स में डाल देंगे और फिर हम वहां से एक बॉल ड्रॉ करेंगे इसका मतलब है कि फिर से हमारे पास थ्री टाइप्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं रेड आ सकती है ब्लू आ सकती है या ग्रीन आ सकती है उसके बाद अगर हम ग्रीन को देखें इफ़ इट इज़ ग्रीन देन इट इज़ सेट असाइड एंड अनदर बॉल इज़ ड्रॉन अगर वो ग्रीन है तो उसे हम साइड पर रख देंगे और एक और बॉल ड्रा करेंगे तो इसका मतलब है ग्रीन को अगर हम निकाल दें तो हमारे पास रह जाती हैं टू पॉसिबिलिटीज़ कि या तो रेड आ सकती है या ब्लू आ सकती है अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं ब्लू के बाद अगर रेड आती है या ब्लू या ग्रीन आती है तो थ्री बॉल्स हैं इसका मतलब है कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी वन बाय थ्री है ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी भी वन बाय थ्री है और ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी भी वन बाय थ्री है और अगर ग्रीन बॉल थी उसे हमने साइड पर रख दिया तो पीछे रह गई टू बॉल्स तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन बाय टू और ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन बाय टू तो ये हमने इस डायग्राम को कंप्लीट कर लिया यहाँ पर हम इसकी आउटकम्स को लिख लेंगे अगर हम अपने प्रॉब्लम में देखें तो जो क्वेश्चन है वो ये है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज ब्लू गिवन दैट द सेकंड बॉल इज़ ब्लू तो दोनों बॉल्स ब्लू हैं इसका मतलब है जो फर्स्ट बॉल है उसे हम बी वन लिख देते हैं अपनी आसानी के लिए और सेकंड बॉल को बी टू लिख देते हैं इसी तरह ये भी सेकंड उसमें एक्सपेरिमेंट में ड्रॉ हुई है या सेकंड स्टेप में ड्रॉ हुई है तो इसे हम बी टू लिख देते हैं तो पहली जो आउटकम होगी वो होगी आर नेक्स्ट आउटकम है बी वन इंटरसेक्शन आर बी वन इंटरसेक्शन आर नेक्स्ट है बी वन इंटरसेक्शन बी टू नेक्स्ट है बी वन इंटरसेक्शन जी जी इंटरसेक्शन आर जी इंटरसेक्शन बी टू तो ये वन और टू शो कर रहे हैं कि ये जो बी वन है ये पहले वाले स्टेप में ड्रा हुई है और जो बी टू बॉल है वो, है वो भी ब्लू है लेकिन वो दूसरे स्टेप में ड्रॉ की है तो अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे ऑफ फर्स्ट बॉल गिवन दैट द सेकेंड बॉल इज ब्लू तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन गिवन बी टू तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बी वन गिवन बी टू है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टू गिवन बी वन मल्टीप्लाइड बाई ऑफ बी वन और इसको हम डिवाइड करते हैं जो भी आउटकम्स B2 के लिए होंगी हमने उनको यहाँ पर कंसीडर करना है क्योंकि हमें यहाँ पर B2 गिवन है तो हम सिर्फ B2 वाली आउटकम्स uh, को यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो अब B2 वाली दोनों आउटकम्स को यहाँ पर लिखते हैं तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 टू B1 बी वन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबिलिटी ऑफ बी वन प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी टू given g probability of g अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे और यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b2 टू गिवन बी कितनी है वन बाय थ्री और प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 कितनी है वन बाय थ्री यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर आ जाएगा वन बाय थ्री मल्टीप्लाय बाय वन बाय थ्री प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ b2 टू गिवन जी b2 टू गिवन जी है वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाई प्रॉबलिटी ऑफ जी है वन बाय थ्री तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से अगर हम देखें तो वन बाय थ्री वन बाय थ्री और वन बाय थ्री ये डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से कॉमन आ रहा है तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय वन बाय थ्री और अंदर रह 1 by 3, by 1 by 3 तो जाएगा वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय वन बाय थ्री प्लस वन बाय टू तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी और बाकी जो रह गया उसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं वन बाई थ्री डिवाइडेड बाय फाइव बाय सिक्स और ये आ जाएगा थ्री टू जर सिक्स तो हमारे पास रह जाता है टू बाय फाइव तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन प्रोबिलिटी ऑफ बी वन गे बी टू तो इस तरह से हमने बेस फार्मूला की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो आज की वीडियो में हमने बेस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया